अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो कल मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों को कि आप एप्सर अकाउंट के थ्रू इंडिया नेपाल जा सकते हैं, लेकिन न्यू अपडेट के कारण आप नहीं जा सकते। तो चलिए मैं बताता हूं आपको पूरे डिटेल अच्छे से, चलिए बात करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए आपको इस बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। जो अपडेट आई थी कल, घर आप जा सकते हैं, एग्जिट वाले, फाइनल एग्जिट वाले, री एंट्री वाले, तो उसमें ये नहीं बताया गया कि आप किस किस जगह जा सकते हैं, लाइक इंडिया, लाइक नेपाल, लाइक पाकिस्तान, ये सब नहीं बताया गया था। लेकिन कुछ दो चार पांच घंटे के बाद नया अपडेट आता है, उसमें लिखा होता है कि आप जो है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इजिप्ट, फिलीपींस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जा सकते हैं, बस इंडिया और नेपाल आप नहीं जा सकते। मतलब कि क्या हो गया, जब मैंने वीडियो पब्लिक करने के लिए सोची अपनी, जो कल वीडियो आपने देखी, उस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो परफेक्ट थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जवाजात वालों ने पहले क्लियर नहीं करा था। लेकिन क्यों, जब मैंने अपनी वीडियो पब्लिक की, उससे पहले मैं गया रियाद एम्बेसी के ट्विटर हैंडल पे, तो मैंने वहां पे देखा कि किसी ने सवाल किया था कि ये अपडेट आया क्या सही है। रियाद एम्बेसी वालों ने बोला, इंडिया रियाद की जो एम्बेसी इंडिया वाली, वो बोल रहे हैं कि हाँ यू कैन अप्लाई। उनको ही पता नहीं था कि इसके बारे में। लेकिन शाम के टाइम पे नया अपडेट आता है कि आप इस जगह जा सकते हैं, इंडिया और नेपाल नहीं जा सकते। ये ऐसी नाइंसाफी क्यों, आप लोग सोच रहे होंगे ये नाइंसाफी क्यों हो गया जावेद भाई? तो ये इसलिए हो गया कि हमारी सरकार जो है, हमारे यहाँ जाने, आप चले तो जाओगे यहाँ से, मान के चलो अगर चले जाते हो तो हमारे यहाँ क्वारंटीन में रखा जाएगा आपको, वहां पे आपको खाने की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको रहने की प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात कि अगर आप यहाँ से, क्योंकि आप रियाद से दिल्ली जाते हो और आपको दिल्ली से जाना लखनऊ, तो आप फिर लखनऊ कैसे जाओगे दिल्ली से, समझ रहे हो आप? यहां से जाने के बाद तो चले जाओगे, लेकिन आप दिल्ली से लखनऊ कैसे जाओगे, वो रास्ता आप कैसे तय करोगे? कोई मुंबई से मुंबई जाएगा, यहाँ से मुंबई जाता है फ्लाइट से, इसके बाद मुंबई से कोई वापस यूपी में किसी जगह जाएगा, या बिहार जाएगा, या पटना जाएगा, तो कैसे जाएगा? वो अटक जाएगा ना बीच में, उसकी वजह से आप भी परेशान हो जाओगे, आपकी फैमिली भी परेशान हो जाएगी, और आप खुदा ना खास्ते कि आप मरीज निकल जाते हो तो आप किसी और को भी फैला दोगे। मैं तो यही कहूंगा कि आप जो जहां है वहीं रहो। तो इसीलिए शायद लगता है इन लोगों ने रुकावट लगा दिया, इन लोगों ने देख लिया होगा कि सऊदी सरकार ने तो ऐलान कर दिया है, कोई ना कोई उपाय करके तो यहाँ से भेज ही देगी, ये भेज देती, ऐसा नहीं भेज देती। फिलीपींस वाले सब गए कि नहीं गए, भेज देना उन लोगों को। इसीलिए इन लोगों ने बता दिया, आप क्लियर कर दिया कि हाँ आप इस देश जा सकते, इंडिया नेपाल नहीं जा सकते। ये था मेरा बताने का आपको पूरा तरीका, कि ये अपडेट कैसे आया, कैसे बदल गया और आपको क्यों रोका गया। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग के पास पैसा नहीं है, मैं समझता हूँ कि आप लोग परेशान है, लेकिन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही था अपडेट, आपको समझाना था थोड़ा सा, क्योंकि आप सोचोगे कि जावेद भाई फेक वीडियो बनाए, ये वीडियो बनाए, बट फेक वीडियो कोई भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे गलती जवाजात वालों की है, यहाँ पे गलती हमारे इंडिया वालों की है, यहाँ पे गलती जो इंडियन एम्बेसी है उसकी है। इन लोगों ने पहले क्लियर नहीं किया कि कौन कौन से देश जा सकता है, ये जो सिस्टम अभी अपडेट आया था इसके बारे में। चलिए फिर बन रही ऐसे चैनल पर, और रोजा रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, घर में है तो मोबाइल पे एप्स पे डाउनलोड कर लीजिए, और ज़्यादातर आप दुआ नमाज में बिताइए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा, हम लोगों की सेफ्टी और हमारी फैमिली की सेफ्टी, और इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटी है नहीं जो हमें अपनी इंडिया में इतनी सारी प्रोवाइड करे, तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। एक तरह से सही भी है, एक तरह से नहीं भी सही है, लेकिन क्या करें भाई, हम तो मजबूर हैं, यहाँ की गवर्नमेंट हमें भेज देती, लेकिन चलो कोई बात नहीं।